सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC ऐप से ट्रेन टिकट बुक कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग फ्रेंड यहां से आप लोग प्ले स्टोर ओपन करेंगे, उसके बाद यहां पे सर्च बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक कर यहां पे IRCTC, जैसे ही आप लिख कर यहां से सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का देखिए यहां पे IRCTC रेल कनेक्टेड ऐप इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहां से मेरा पहले से इसमें इंस्टॉल है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी इसी प्रकार से ओपन कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड साइनिंग यूज़र नेम और पासवर्ड, अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, आईडी और पासवर्ड बना चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उसके बाद कैप्चा डालकर यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इसमें अगर आप न्यू यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप लोग कहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर यूज़र, इस वाले लिंक के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्रिएट योर अकाउंट, नए अकाउंट बनाने का जो पेज है यहाँ पे फॉर्म फिलअप का पेज है वो खुलकर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन खुला है, आप लोग इस फॉर्म फिलअप कर अपना क्रिएट अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम अपना, यहाँ पर सबसे पहले अपना यूज़र नेम कोई अच्छा सा रख लेना होगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर पासवर्ड भी आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कंफर्म पासवर्ड, फिर दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड अपना लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका लैंग्वेज है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखिए, देखिए आप यहाँ पे से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, व्हाट इज़ योर पेट नेम। उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर देना होगा, जैसे भी आप डॉग डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो है पर्सनल डिटेल यहाँ पे खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे देखिए मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे तीनों को फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर ऑक्यूपेशन, आपका जो काम क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड है, आप यहाँ से मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडिया है, इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर पहले से ही चूज है। उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, यहाँ पर जो भी आप जेंडर हैं आप यहां से अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहां पे देखिए अपना ईमेल आईडी और यहां पे वैलिड मोबाइल नंबर डालना होगा जिस पे ओटीपी जा सके। उसके बाद ये फ्रेंड यहां पे देखिए सेलेक्ट एंड नेशनलिटी, आप यहां से अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका दूसरा पेज खुलकर ओपन हो जाएगा एड्रेस वाला। यहाँ पे देख लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से एड्रेस का ऑप्शन खुलकर ओपन हो गया है, आप लोग यहाँ से अपना एड्रेस डाल देंगे। देखिए यहाँ पे आपका ब्लॉक नंबर, आपका फ्लैट या डोर नंबर आप यहाँ या हाउस नंबर यहाँ पर अपना डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैंड नंबर स्ट्रीट का, उसके बाद एरिया लोकेसिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना सेलेक्ट डाल लेंगे। उसके बाद देखिए हम सेलेक्ट सिटी, अपना यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए सिलेक्ट ए पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस एरिया में है वो पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के देखिए, उसके बाद देखिए कॉपी रेसिडेंट टू ऑफिस एड्रेस, अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से यस कर देंगे, नहीं तो नो कर अपना दूसरा एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पे टिक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे एक पासवर्ड जाएगा, वो पासवर्ड यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद कैप्चा डालकर आप यहाँ से अपना यूज़र नेम और आईडी अपने ईमेल पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें लॉगिन करना है। पहले से ही मेरा अकाउंट इसमें क्रिएट कर चुका हूँ तो मेरे पास आईडी और पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें लॉगिन करें। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे साइनिंग करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी पर देखिए कुछ आपका यूज़र आईडी गया होगा और पासवर्ड भी गया होगा, जो उसमें पासवर्ड फिलअप किए थे वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ से डालकर आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको इसमें लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर कुछ दूसरा पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए जनरेट पिन, आपको एक यहाँ पे अपना पिन जनरेट करना पड़ेगा, यहाँ से अपना पिन यहाँ से जनरेट आप कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देख लीजिए रिमेंबर पिन, प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज़। देखिए फ्रेंड यहाँ से लॉग, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। देख लीजिए यहाँ पे ट्रेन, आप चाहें तो इसमें ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं, फ़्लाइट का भी, बस का भी, होटल भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ट्रेन के ऑप्शन के ऊपर आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए बुक टिकट, माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, उसके बाद ट्रे की और ट्रेन यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ से चार्ट वैकेंसी भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको टिकट बुक करने बता देता हूँ कि कैसे टिकट बुक किया जाता है। तो बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे ऑप्शन क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड फ्रॉम और टू, और देखिए यहाँ पर आपको जिस स्टेशन से जाना है वो स्टेशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप, मैं यहाँ से स्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बनारस स्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए, इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को जहाँ तक जाना है वो स्टेशन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मुरादाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ से क्लासेस, ऑल क्लासेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं बस कोई एक या AC का मुझे बस टिकट चाहिए तो AC के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको स्लीपर का भी चाहिए, अगर आल चाहिए तो आल क्लासेस पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ से कोटा देख लेंगे। अगर आप जनरल का टिकट बुक करना चाहते हैं जैसे स्लीपर AC, तो आप इस पे जनरल के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। अगर कोई लेडीज़ का टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेडीज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर आप लेडीज़ का भी टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर तत्काल टिकट भी बुकिंग होता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर लोअर बर्थ सिटीजन, अगर 60 बरिस के ऊपर वालों का यहाँ पे टिकट बुक करना चाहते हैं ये वाले ऑप्शन पे टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रीमियम तत्काल भी टिकट बुकिंग होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे डिपार्चर अपना टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर 29 तारीख का मैं टिकट बुक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए सर्च ट्रेन, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए राजधानी एक्सप्रेस, जो यहाँ पे सारी ट्रेन है बनारस से मुरादाबाद जाने वाली, यहाँ से सारी ट्रेन आपको दिखाई दे देगी। उसके बाद जिस भी ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं, स्लीपर का या सेकेंड टायर AC का या फर्स्ट टायर AC का, थर्ड टायर AC का, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको ट्रेन नेम और यहाँ पे देखिए ट्रेन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उसका यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए कितने बजे ट्रेन आ रही है और आपको यहाँ पे ट्रेन कितने बजे छोड़ रही है, यहाँ से आप इसका टाइमिंग भी देख सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे स्लीपर के ऑप्शन पे यहाँ पे रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का वेटिंग लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वाले देखिए यहाँ पे कोई टिकट ही खाली नहीं है। उसके बाद सेकेंड टायर AC पे करेंगे, इसमें भी कोई सीट खाली नहीं है। तो फ्रेंड मैं दूसरा ट्रेन देख लेता हूँ जिसमें टिकट खाली हो। तो फ्रेंड इसमें देखते हैं, इसमें स्लीपर में देखिए टिकट इसमें खाली दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे थर्सडे 29 अगस्त अवेलेबल 13 सीट है, इसमें देख लीजिए 30 अगस्त भी है, 31 अगस्त भी है, यहाँ पे 21 सीट खाली। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टायर AC का, जिस भी कोच में आप टिकट बुक करना चाहते हैं वो कुछ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 29 अगस्त 30 अगस्त थर्ड टायर AC का यहाँ पे सीट खाली दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं एक टिकट बुक करके दिखा देता हूँ कैसे टिकट बुक किया जाता है। चलिए थर्ड टायर AC का मैं टिकट बुक करके दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड उसके बाद 29 अगस्त के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख लेंगे आपका जो चार्ज लगने वाला है वो 985 रुपये चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ से पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर ऊपर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड आपका यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ए पैसेंजर, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखिए पैसेंजर डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। आप यहाँ से नेम, उसके बाद एज पैसेंजर का, उसके बाद जेंडर, यहाँ पर देखिए मेल या फीमेल का टिकट बुक कर रहे हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको बर्थ चाहिए, लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए या अपर साइड चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए साइड अपर चाहिए, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बर्थ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए ऐड पैसेंजर, इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए वन पैसेंजर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अगर आप
किसी और पैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं तो फिर से दोबारा ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर इसमें पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, योर टिकट विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी। जैसे ही आप टिकट बुक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पर आपको आपका जो टिकट है वो सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड किस प्रकार से कर सकते हैं, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट या अदर से भी यहाँ पे कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ी चार्ज यहाँ पे 30 रुपये प्लस GST आपका यहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से पेमेंट इसमें करते हैं। उसके बाद पे थ्रू भीम यू पी आई से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं चलिए इसे भीम यू पी आई से यहाँ पर पेमेंट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस इस वाले ऑप्शन में आप नो ही रहने देना है। उसके बाद रिव्यू, यहाँ पे जर्नी डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए जो आपका पैसा कटने वाला है वो देख लीजिए। यहाँ पे फ़ी समरी यहाँ पे देख सकते हैं 1008 रुपये है। यहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल सीट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। आप यहाँ से पैसेंजर डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका टिकट आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। आप जो यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे देख सकते हैं, भीम UPI द्वारा आप पेमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। और आपका जो कन्वीनियंस फ़ी चार्ज है यहाँ पे 20 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा अपना फिलअप कर यहाँ पे प्रोसेस टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं फ़ी पेमेंट करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप प्रोसेस टू फी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट मेथड आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना पेमेंट मेथड चूज कर लेंगे। चलिए मैं फ़ोनपे या MobiQuick Paytm द्वारा यहाँ पर पेमेंट करना चाहता हूँ। तो इस वाले लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका UPI वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो आपका UPI आईडी है, आप यहाँ से अपना UPI आईडी डालकर उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो टिकट है आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं पे करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने अपना जो पेमेंट है वो कर दिया है, जो मेरा टिकट है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया है। चलिए मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ कि कहाँ से टिकट डाउनलोड भी करना है। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे ट्रेन के ऊपर। उसके बाद जो आप यहाँ से जितनी भी आप यहाँ पे ट्रेन बुक किए होंगे, माई बुकिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए आप जो भी ट्रेन टिकट बुक किए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर यहाँ पे PDF है, PDF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से अपना PDF यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका बुकिंग स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, करंट स्टेटस भी यहाँ पे दिया हुआ है। कन्फर्म सीट है B2 में 8 नंबर SU साइड अपर है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं।